अरे महाराज बोलते हैं, हिंदुत्ववादी बोलते हैं तो उसके अपराधियों का अपराध खत्म करें, और नहीं तो आत्महत्या करने के लिए हम सब तैयार हैं। हमको न्याय चाहिए ना चाहिए, नहीं हम आत्महत्या करने के लिए तैयार हैं, रोड पे हम आत्महत्या करेंगे। हमको न्याय चाहिए। आखिर में कुर्सी पे किस लिए बैठा है, किस लिए बैठे हैं बाबा जी? उनका बुलडोजर कहाँ गया? किसके लिए बुलडोजर लगाए हैं? आम जनता के लिए, गरीबों के लिए बुलडोजर लगाए हैं कि अपराधियों का अपराध खत्म करने के लिए बुलडोजर लगाए हैं? अरे महाराज बोलते हैं, हिंदुत्ववादी बोलते हैं तो उसके अपराधियों का अपराध खत्म करें, और नहीं तो आत्महत्या करने के लिए हम सब तैयार हैं। चलिए हम लोग कोशिश करते रहेंगे, हाँ, आपकी बात सुनते रहेंगे। अभी जाएंगे हम, अभी जाएंगे। देखिए दोस्तों, देखिए देखिए, पानी दो, पानी दो, है कच्ची। देखिए देखिए, अच्छा तुम्हें कमाल है। एक आदमी बोलेंगे तो समझ में आएगा, बताइए क्या चीज़ है, बताओ। मेरी लड़की को न्याय नहीं मिला, मेरी लड़की को ऐसे ही मौत मार डाला, मेरी लड़की को न्याय नहीं। सर अच्छा सर, एक ही एक बात आपसे प्रणाम, एक ही बात पूछ रहे हैं। नौ दिन का नवरात्र भूखा हुआ हूँ मैं, सब सच्चाई बता रहा हूँ। एक्चुअली अतीक अहमद वाले केस में CCTV दिखाया गया, CCTV ये लोग दे नहीं रहे हैं। आकांक्षा दुबे का मोबाइल जब्त कर लिया गया है, उसमें सोशल मीडिया से पूरा, और उसके बाद होटल में जब गए ये लोग, क्या बोलते हैं मीडिया वाले, तो क्या बोल रहे हैं, हम वाइट नहीं करेंगे और रूम नहीं दिखाएंगे, पूरा सब चुके हैं सर। सच में इतनी दर्दनाक बैठ के फांसी कैसे हुआ, ऐसे बैठ के हुआ? सही बात है, देखिए सर, नहीं सर, हाँ जो क्वेश्चन उठा रहे सही है, मेरी सहानुभूति उनके साथ है, और हमारे ही परिवार से थी, ऐसी कोई दूर की नहीं सर। लेकिन एक बात, कोई भी काम नियमानुसार करना चाहिए। आप एक पत्रक दे दीजिए वहाँ जाके सारनाथ थाने पे। सर नहीं सुन रहे, फेंक कर रहे हैं, बात मानिए सर, पत्रक दिखाइए हम, ये देखिए सर, ये सीन हो गया। मेरी बात सुने सर, आप समझेंगे, रिपोर्ट वगैरह देख लीजिए। उच्च अधिकारी गण को एक पत्रक देके बताइए सर, हम आपके माध्यम से काम करना चाहते हैं, प्लीज आप मेरा सपोर्ट करिए। मेरी बात सुने, यहाँ यदि अवरुद्ध करने के मार तो कार्रवाई होगी भाई, मैं बता रहा हूं। नहीं सर, कार्रवाई आपके माध्यम से करेंगे, आपके सपोर्ट से करेंगे, आपसे रख दीजिए, आप हमको पत्रक दीजिए, मैं हम पत्रक दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रोड पे जाम होगा, किसी प्रकार का नियम नियम से चलिए। जरा हम आपके देखिए, जरा FIR कागज देखिए, हर चीज देखिए, क्या हुआ? हम लोगों की सहानुभूति है, अभी आप देखेंगे रिपोर्ट में क्या दिखाया गया है, थाने पर पंजीकृत लिखा गया है, मुकदमा लिखा गया है, फांसी नहीं खत्म, फांसी फांसी जानबूझ के लगाई नहीं, सारना थाने पर बैठ के फांसी लगाती है, कहां गए हमारे वही चाह रहे हैं जी, जी वही चाह रहे हैं। वहाँ पे संबंधित उच्च अधिकारी है, उनसे आप पहले कहिए ना, पहुँचवा दिया जाएगा, नहीं सुन रहे हैं लोग ने। हमारे यहाँ से नियम करते हैं, हमारे उच्च अधिकारी लोग वहाँ के अधिकारी लोग से ही बात करेंगे, आप एक डायरेक्ट आप बात करेंगे वहाँ पे, वो सही रहेगा। परिवार कम से कम 6 दिन से रो रहा है, कहाँ जाए सर, अगर घटना की जांच यहाँ से होती तो आप हमसे कहते, लाजमी था आपका, तो हम आपकी बात समझ सकते हैं सर, सर हम बात मारो पर आप यहाँ पे हम कर रहे हैं, आप यहाँ पे जो चीज आप सुझाव दे रहे हैं, एक मिनट रुकिए भैया, जो चीज आप सुझाव दे रहे हैं वो लोग दिए सुझाव, ये कहें बात नहीं सुन रहे, वहाँ पे सीनियर अधिकारी है, वहाँ अपनी बात रहे, पत्रक के माध्यम से बात रखी है, या हम मिले जो है उनसे, सबसे औरत जो है उनसे जांच हो रही है, समर्थ ये बताइए, यूपी पुलिस से बढ़ किस टाइम कोई है,
यूपी पुलिस से बढ़ के कोई अजीब चीज यूपी पुलिस कर दे रही है, कोई कर रही है? सर मालूम है आप समर सिंह, समर सिंह और एक क्या बोल सर सर समर सिंह समीर सिंह अभी तक फरार है, पकड़े नहीं गए। अमित जी ये लोग कह रहे हैं कि थाना थाना में हमने इन्वेस्टिगेट कुछ नहीं होगा वहाँ से, यहाँ से हमारा केस एफ आई आर यहाँ लाज नहीं है भाई मेरे। आप यहाँ कैसे मतलब क्या करके रिपोर्ट लगाए मिलेगी आपको? आप यहाँ लेटर लिख के दूँ? समय लगेगा सर, चार दिन जाएगा, हम लोग का पूरा मामला खत्म हो जाएगा। एक मिनट हम वही बात कर रहे हैं, हम सर ये कह रहे हैं लेटर हम लिख के आपको दे दे रहे हैं ठीक है, और छह दिन तो अभी इनका आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया भी नहीं मिला है, यहाँ से रिपोर्ट कब मिलेगा? थाने पे जाइए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की नकल का इनको मिलनी चाहिए। नहीं मिली है बताइए, आप जाके गए हैं? गए हैं कल, वो बोले हम दे रहे हैं, बात करिए बोले हम दे रहे हैं, कल भी नहीं हमारे साथ बात कर रहे हैं। आपको पीएम रिपोर्ट आपको मिलेगी? मिलेगी, एकदम मिलेगी। अभी तक हमको होटल के कमरे में भी नहीं लेके गए। अच्छा, अच्छा, हम लोग का हक नहीं है सीसीटीवी देखने का? और वहाँ के मैनेजर बोलते हैं सर आप बताइए, हम लोग का हक है कि नहीं सीसीटीवी देखना? सारे सारे बिंदुओं पर बात की जा रही है ठीक है, और आपका पूरा सहयोग किया जाएगा वहाँ से। सर बस आपसे यही आग्रह है, आप हमारे यहाँ से हमारे क्षेत्रीय हैं, आप हमारी पूरी मदद करेंगे? नहीं करना, जो भी पर्सनल चीजें चाहे मोबाइल हो चाहे बहुत पर्सनल चीजें वो भी नहीं मिली इनको? नहीं कोई दिक्कत नहीं है सर, वो जांच का विषय है, जांच का विषय है सर, उसके बाद केस को बता दिया गया, फांसी लगाए तो मोबाइल तो दे दो, फांसी लगाए तो दे दो, तब भी नहीं देखिए। जब जांच हो जाएगी ना तो उससे रिलेटेड जो भी वस्तुएं होंगी आपको मिल जाएगी। मीडिया वालों को आगे आने दीजिए, आप लोग आगे आ जाओ मीडिया वाले। एक मिनट सब लोग पीछे हो जाओ। जी 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 एकदम बताइए जो भी सच्चाई थी होटल में। सर आपको तो जरूर कर दीजिए, एक मिनट सर से भी पूछ लीजिए, सब मेरे बिठा दिए पैसा खा के, सुनिए अपने से मैं भरोसा करूं? सर सुनिए, मोबाइल का सर सुनिए, नहीं मिलेंगे इनके साथ भाई जो बोला। चाची एक मिनट शांत रहा, चाची चाची जिस होटल में घटना घटा था हम लोग आए थे बिहार से यहाँ रिकॉर्डिंग करने के साइड से, जब जाते हैं होटल में उसके मैनेजर से मालिक से बात करते हैं कि आइए इंटरव्यू दीजिए हमें, बताइए कैसे क्या हुआ था, कि कौन रूम कब बुक हुआ था, कब क्या हुआ था, बता रहे 22 को हुआ, कह रहे हैं कि हम नहीं देंगे इंटरव्यू होटल वाला ना। हाँ, आपको जो करना है करिए, आप वहाँ गए डीएम साहब के पास, गए कप्तान साहब के पास, सुन लीजिए सर की भी, सुन लीजिए बताइए सर, वहाँ प्रशासन सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो वहाँ के उच्च अधिकारी के साथ शिकायत करिए, उनकी पूरी बात बताइए। छह दिन हो गया यूपी पुलिस अभी आज तक कुछ नहीं किया सर, क्या है सर? सर हम ये कह रहे हैं, दीजिए सर हम ये कह रहे हैं, सुनिए सर सुनिए, छह दिन हो गया, छह दिन में न समर सिंह पकड़ा गया न संजय सिंह, आप उनसे संपर्क करिए कि उनको पोस्टमार्टम दीजिए, चाहे उनसे सारनाथ से संपर्क करिए ना, सारनाथ पुलिस से कीजिएगा। सर कोई आ ही नहीं रहे, मीडिया नहीं आ रहे हैं, इंस्पेक्टर साहब से बात हो रही है, हेलो इंसानियत एक मिनट बात हो रही है, बात हो रही है, सर से पूछिए, सर से आपको दिक्कत क्या, हम आपको दिक्कत है क्या? ठीक है सर, यही बैठ जाएंगे पूरी जनता बैठ जाएगी, हमारे पांच सौ कम लगा सर, हम लोग ये बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि भेजिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए, सुनिए सुनिए शांत रहो, शांत रहो, और क्या है कुछ नहीं, कुछ नहीं, मेरी बेटिया को मोबाइल का वो भी पूरा प्रूफ गायब कर देगा तो बोलेगा नहीं है इसमें एविडेंस, मेरी लड़की के मोबाइल का भी प्रूफ वो गायब कर देगा, यहाँ की पुलिस के ऊपर मुझे भरोसा नहीं है, मेरी लड़की का मोबाइल मेरे सामने खोला जाए, मेरे सामने इंक्वायरी हो,
क्यों नहीं मिले? यहाँ पे कांचा दुबे की माँ है जो अपनी बेटी की लगातार न्याय के लिए गुहार लगा रही है, और यूपी पुलिस से बोले इनको भरोसा नहीं है। जाहिर सी बात है कि अभी तक समर सिंह कहीं पे पकड़े नहीं गए हैं। सर आप बताइए कि यही कह रहे हैं कि समर सिंह और संजय सिंह क्या भाग सकते हैं हमारी यूपी पुलिस से? हाँ भागा है, तभी तो भगाया है पुलिस वाला। और हम लोग यही होटल गए थे, होटल वाला होटल नहीं दिखा रहा, सीसीटीवी नहीं दिखा। हम घर के गार्जियन है तो क्या हमको देखने का हक नहीं है? सीसीटीवी फुटेज जी सर, हम मीडिया के साथ आ रहे हैं, हम मीडिया के साथ आ रहे हैं। एक मिनट भाई शांत रहिए, हम मीडिया के साथ आ रहे हैं। हमारे मीडिया के सामने वो सीसीटीवी जो है मीडिया में शो किया जाए। जी सर, हम आपके आज्ञा के जो है पालन करेंगे। धन्यवाद सर, चलिए हम सब चलेंगे। क्या बात हुई? बुलाए हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने के लिए और कानूनी कार्रवाई करने के लिए बुलाए हैं। क्या लग रहा है, एक माँ को यहाँ पे बच्ची का जो न्याय मिलेगा? न्याय मिलेगा और इसमें जांच चल रही है, न्याय मिलेगा। इंस्पेक्टर एक मिनट, मतलब एक माँ को यहाँ मीडिया वाले भैया बात होने दीजिए। हम जो है दिखा रहे हैं जी, इस टाइम अगर हम देखने वहाँ जा रहे हैं, जब बुला रहे हैं ना तो उनकी बात मानिए और एक बार पहुंचिए उनके यहाँ। जाइए वहाँ पे सामने बात हुई है, आपके लिए पेपर क्या लिखवाएं? दो लाइन हमारी बात सुन लीजिए। आप जाइए उनसे बात कीजिए, वो आपको पूरा सहयोग करेंगे। नहीं सहयोग करेंगे तो वहाँ उच्च अधिकारी गण से अपनी बात रखिए, हम अपने यहाँ के उच्च अधिकारी गण से बात कराएंगे, इस मामले को रखवाएंगे। हम ये उम्मीद है पूरा सहयोग। एक ब्राह्मण घर में की लड़की को रौंद दी गई है, रौंद दी गई है। मेरा एक सीधा सवाल है, यहाँ पे माँ एक बच्ची के न्याय के लिए तड़प रही है, यूपी पुलिस क्या ये आश्वासन दे रही है कि न्याय मिलेगा? सर हमें कह रहे हैं सर, हमें कह रहे हैं सर, हम आपसे एक परमिशन छोटा सा ले रहे हैं। एक मिनट रुकिए, हम छोटा सा परमिशन ले रहे हैं। आप लोग कहने जैसे सब लोग आए हैं, मतलब शांतिपूर्वक दो मिनट बैठ आप पब्लिक फोरम चले। ये नियम विरुद्ध काम नहीं, जैसा हम लोग जब सहयोग कर रहे हैं देखो उसको कष्ट मिलेगा। तुम न्याय के लिए कर रहे हो ना, हम लोग जब न्याय के लिए तुम्हारे साथ हैं तो उससे क्या फायदा होगा? समर सिंह अपराधी नहीं है तो भागा क्यों? समर सिंह और संजय सिंह अपराधी हैं तो चलिए। आप लोगों को क्या लगता है, न्याय मिल जाएगा? एकदम न्याय पुलिस प्रशासन अगर ऐसे काम करेगा तो मिल जाएगा। छह दिन हो गया। आप लोग सहयोग कीजिए जल्दी। छह दिन लगातार हो रही है कि साफ चाहिए, मगर आज तक कोई नहीं आ रहा है, कुछ पता बता रहा है भैया को लेकर जाओ। वो भी पास सारनाथ जा, हम बात करते हैं सर, सच बताएं सर, जैसे खड़े खड़े हालत चलने की हिम्मत तक नहीं बची है। आप जाइए वहाँ पर बात करिए, आप सर यहाँ से सहयोग करिए, वहाँ पे बातें करिए। हम बात करवा रहे हैं, फिर बात करवाएंगे। चलिए ए भैया, समझा कर बनारस चलेंगे, बनारस टीवी शो करेंगे, सीसीटीवी शो करेंगे, बनारस चलेंगे, वहाँ पे रिपोर्ट लेके क्या करेंगे? रिपोर्ट नहीं लेंगे। संजय चाहिए, समर सिंह चाहिए, अंदर घुस के चाची के लिए।